धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में सज बैठे तो धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज के तप स्थान श्री कुरालगढ़ साहब वास्ते विखे पहुँचे समूह सतगुरु रविदास गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब नाम लेवा संगतान दास एडवोकेट हरप्रीत सिंह जमालपुर वालों वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सतसंग जी अज पहली बारी विसाखी के दिन खालसा साजना दिवस के मौके श्री कुरालगढ़ साहब विखे पहुँचने का मौका मिलया और जिहो जी इतों उम्मीद सी जदों मुख सेवादार डॉक्टर केवल सिंह जी का स्टेज के उत्तों कथा विचार का प्रोग्राम देखिया तो मन बड़ा खुश होया कि जिहड़ियां गल्लां असीं इस स्थान बारे सोचते सी जिन्हां गल्लां दे लई इह स्थान दुनिया भर के विच एक निवेकला स्थान रखता वो गल्लां वाकई इस समाज नूं जिन्हों के दबिया कुचलिया समाज कहा जाता बहुजन समाज कहा जाता मूल निवासी समाज कहा जाता इस समाज नूं सीधे राह पाने के लिए वाकई जिहड़ियां गल्लां विज्ञानक तौर पर प्रमाणिक ने वो इस स्थान तो होंदियां ने और इहदे लई मैं समूह प्रबंधक कमेटी का समूह नगर निवासियों का समूह हाजिर संगत का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ और ऋणी हाँ इन्हों का जेडे कि इस बहुत नोबल जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा जरूरी कार्य है समाज के शोषण तो मुक्ति वास्ते उहदे विच अपना हिस्सा पा रहे हैं। संगत जी अज का दिन जिहड़ा है खालसा साजना दिवस विसाखी का दिन है 13 अप्रैल 1699 दे विच सानू शूद्रां तो खालसे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने बनाया सी और जिवें डॉक्टर केवल सिंह जी ने गल की आ कि यह संपूर्णता दिवस सी असल विच खालसा साजना नहीं खालसा संपूर्णता सी और संपूर्णता उहदी हुंदी हुंदी आ जिहदी शुरुआत हुई होवे और इस कार्ज की खालसे बन की जिहड़ी शुरुआत आ वो सतगुरु कबीर जी सतगुरु रविदास जी महाराज द्वारा की गई सी और उही लीह चलदी चलदी 35 महापुरखों तो अगे आ के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सानू बख्शिश की बाणी ते बाणे दी और सानू एक हथियारबंद क्योंकि बिप्पर ने सानू सिक्ख्या संपत्ति हथियार मान सम्मान और सिर ते दस्तार ये जिहड़े पंज खास हक सी इन्हां तों ब्राह्मणवादी सिस्टम ने मनुवादी सिस्टम ने साडे तों दूर कीता सी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू ओह सारा कुछ दुबारा बख्शिश करके सानू शूद्रां तों खालसे बनाया। इस करके इस दिवस दीआं आप सब लोकाई नूं बहुत बहुत मुबारकां होण जी। सतसंग जी अज क्योंकि इस स्थान ते सतगुरु रविदास फैडरेशन ते सतगुरु रविदास धर्म समाज ते इस तों इलावा भी बहुत अनेक संस्थावां अपना योगदान पा रही ने और मैं मनों बहुत अपने आप नूं खुश किस्मत महसूस कर रहा कि इस टीम का अंग हाँ जिहड़ी समुची टीम इस समुचे कारज नूं नेपरे चाढ़न लई पब्बां भार हो के 24 घंटे तत्पर रहिंदी आ और हमेशा अपने वित्तों बारे हो के आपका योगदान पाउंदे ने सारे कारजां विच। सात संगत जी जिवें ज्ञानी केवल जी डॉक्टर केवल सिंह जी ने कहा कि सानू आपका वोट का अधिकार जिहड़ा बाबा साहब ने लैके दिता उहदी अहमियत पता होनी चाहिए आ क्योंकि 14 अप्रैल कल का दिन जिहड़ा है बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी 14 अप्रैल 1891 में इस धरती के उत्ते उन्होंने जन्म लिया सी और उस जन्म लैण तो उपरंत जिहड़ी तब्दीली 1891 ते अज 2020 दे विच साडी जिंदगी दे विच आई आ इह पिछले सिर्फ 100 साल का इतिहास पढ़न तो बाद असीं भली भात जाणू हो सकते हैं। इस करके ये दिन 13 ते 14 बहुत महत्वपूर्ण दिन ने इन्हों का इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाओ और जिहड़ी इत्थों हुणे गल होई आ सेवा की अपील की गई आ कार सेवा चल रही आ और इस स्थान के उत्ते जिहड़ी कार सेवा चल रही और इहदी जिहड़ी दिख की गल हो रही आ डॉक्टर साहब दस रहे सी समूह कमेटी ने चानना पाया कि मॉडल तैयार होया होया कि अज तो 500 साल पहला जदों गुरु रविदास जी सतगुरु रविदास जी इस स्थान के उत्ते आए सी उस मौके कला का जिहड़ा सिस्टम चल रहा सी जिहड़ी मूर्ति
मीनाकारी या होर चित्रकारी मौजूद सी इमारतों के विच उह सारी पुरातन दिख इस बिल्डिंग इस स्थान इस गुरुद्वारा साहब के विच उह स्थापित करन जा रहे हैं और इस करके 30-35 करोड़ का बजट है। बजट देखने बहुत वड्डा लगता पर अपने समाज की गिणती के मुताबिक बहुत छोटा और इस करके सारे जने इस दे विच योगदान पाइए और ताकि इस स्थान नूं असीं अपनी एक सर्व उच्च धार्मिक संस्था के रूप में इस दुनिया के स्थापित कर सकीए जिथों के हर एक तरह के समाज के हित वाले धार्मिक आर्थिक राजनीतिक समाजिक फैसले असीं सांझे तौर पर कर पाइए और इत्थों के फैसले जिहड़े लागू होण ओह दुनिया के सारे सतगुरु रविदास नाम लेवा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नाम लेवा गुरु नानक नाम लेवा संगतां दे मनन योग होण। इस करके मैं आपदे वालों भी बेनती करना कि इस कार सेवा दे विच वध तों वध योगदान पाइए ते कुछ गल्लां दे विच चानना पाउणा चाहुंदा क्योंकि पिछले 3-4 महीने तो या पिछले 8 महीने तो जिहड़े समाजिक माहौल राजनीतिक माहौल इस देश दा चल रहा उहदे ते जे आपां इन्हां दो महत्वपूर्ण दिनां दे विच चानना ना पाया मेरे ख्याल च मेरी गल अधूरी रह जाणी आ। किसान मजदूर संघर्ष जिहड़ा चल रहा दिल्ली सिंघू बार्डर दे उत्ते इत्थे किसानां ने 3 काले खेती कानूनों के खिलाफ अपनी गल नूं बड़े जोरदार तरीके नाल पूरी दुनिया विच रखिया और उत्थों 350 तों वध मौतां भी हो चुकियां ने। इह गल वक्खरी आ कि फिलहाल कई तरह दीआं भ्रांतियां कई तरह दीआं अफवाहां ने कि उत्थे किसान मोर्चा चल रहा पर उत्थे जिहड़ियां शहीदियां होईआं ने 350 दे करीब तां ज़्यादा नहीं कम से कम 200 शहीदियां वो हुई ने जेडे कि मजदूरों के या जेडे बहुजन समाज की आप गल कर उस समाज नाल संबंधित लोग सी। इस करके असी उस संघर्ष नूं किसी एक वर्ग का ना मन के समुची लोकाई का संघर्ष मन के उहदे विच अपना योगदान पा रहे हैं। सतगुरु रविदास धर्म समाज वालों 27 फरवरी नूं उत्थे सिंघू बॉर्डर के उत्ते सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरपुरब मनाया गया और 4-5 घंटे के लिए स्टेज की सेवा भी सानू खुद नूं दित्ती गई सी और बड़े वधिया तरीके नाल उत्थे समाज दीआं जिहड़ियां साडियां मंगां ने जिहड़ियां साडियां जरूरतां ने आपदा पक्ष उत्थे स्टेज के उत्ते रख्या गया और जदों पक्ष रख्या तां संयुक्त किसान मोर्चे के जिहड़े मोहतबर लीडर नेता उस मौके बैठे सी उन्हां ने उन्हां मंगां नूं जायज़ मानते हुए कुछ मंगां दी उत्थों सहमति मौके ते देंदे हुए कहा जिस तरह कि शमशान घाट की गल सी कि पूरे पंजाब दे विच जिहड़े जाति आधारित शमशान घाट बने हुए आ इन्हां नूं बंद करन दे लई खत्म करके एक शमशान घाट बनाउण लई संयुक्त किसान मोर्चा एक मुहिम चलाएगा। इह जिहियां मंगां उन्हां ने प्रवान कीतियां एक बहुत वधिया एक सुनेहा सारी दुनिया के उत्ते गया इंटरनेशनल स्टेज ते ते हुण भी कल नूं भी असीं उत्थे सिंघू बॉर्डर ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेदकर जी का जन्म दिहाड़ा मनाउण दे लई हाजरी लवाउण जा रहे हां और असीं जिहड़ी कि महसूस करदे हां इस समाज का अंग होने के नाते कि जिस तरह के खेती दे लई ओहो मरन मारन लई तत्पर होए पए ने जमीना दे लई ते जे आपां अपने समाज की गल करिए साढ़े समाज के कोले खेती योग तो छड्डो साढ़े तो जिहड़े रहण दे लई घर ने वह भी लाल लकीरां दे विच ने सिर्फ 10% हो भी मैं शायद ज़्यादा कह रहा होवां सिर्फ 10% लोग ने जिहड़े शायद रजिस्ट्री वाली या आपदियां मालकी वाली जमीना प्लाटां घरां दे विच रह रहे होंगे। तो मैं बेनती करूँगा कि इस स्टेज तो भी क्योंकि सतगुरु रविदास जी तप स्थान खुरालगढ़ साहिब विसे विखे विसाखी का खालसा साजना दिवस का यह मनाउण का मौका है तो इस मौके पर भी साढ़े समाज दीआं जिहड़ियां उह मंगां ने कम से कम वह मंगां भी इत्थे डिस्कस कीतियां जाण और एक राय बनाई जाए कि 2-3-4-5 के करीब मंगां जिहड़ियां कि साढ़े समाज दीआं ने उन्हां भी असीं किसान मोर्चे के आपदा जानी वो साड़ियां मंगां भी शामिल कीतियां जाण ते जे वो खासकर शामिल नहीं भी हुंदियां तां भी कम से कम साढ़े समाज के लोगों के जुबान ते तां वो मंगां आउण असीं बोलीए तां सही जे असीं बोलांगे तां शायद कल नूं हल भी हो जाएगा। इन्नियां बेनतियां करदा होया मैं एक बार फिर तो सारिआं नूं मुबारकां दिंदा जी इस विसाखी ते खालसा साजना दिवस ते डॉक्टर अंबेदकर जयंती दे मौके ते मेरे वल्लों बहुत बहुत मुबारकां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।